गुड मॉर्निंग अभिषेक क्षितिज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉस्मेट्स फॉस्मेट्स एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, सभी वेक्टर्स हैं। बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं और एक वेक्टर के आइडियल कैरेक्टर क्या होने चाहिए, ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, और जितना भी बेसिकली या हम ये कहें कि वेक्टर के बारे में आपको क्या बेसिक्स बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग पीबीआर से डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा बेस्ड वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरह से बैक्टीरियोफाज को एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने कॉस्मेट्स के बारे में पढ़ रखा है, कॉस्मेट्स क्या है और उनके बेनिफिशियल कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेक्टर्स पढ़ते हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है और उनकी कैपेबिलिटीज में क्या डिफरेंस हो चुका, कैपेबिलिटीज में डिफरेंस क्या है। यदि क्लोनिंग वेक्टर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कॉपी नंबर होना चाहिए और उसकी डीएनए कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट क्या कर सकता हूं, कैरी कर सकता हूं। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसका सिलेक्शन इजी हो। जब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी सेल में जाएगा तो उस सेल में या उस रिकॉम्बिनेंट सेल को ट्रांसफॉर्म सेल को सिलेक्ट करना आसान हो। ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो वेक्टर्स पर डिपेंड हैं कि वो वेक्टर कितना डीएनए कैरी कर सकता है, कितना बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट कैरी कर सकता है, क्योंकि जीन का साइज तो बहुत बड़ा हो सकता है। आप लोगों के आप लोग पढ़ चुके हैं एक प्रोटीन के बारे में, काइटिन, लार्जेस्ट प्रोटीन कोट प्रोटीन है ये। ठीक है, काइटिन अमाइनो एसिड नंबर शायद आपको याद आ रहा होगा, तो कैसी लार्जेस्ट प्रोटीन अभी तक की जितनी प्रोटीन, और सबसे ज्यादा इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, तो बहुत बड़ा जीन है। और ये जीन सिंपली आप प्लाज्मिड से, जैसे पीबीआर बेस्ड वेक्टर्स हैं उनसे आप उसे क्लोन नहीं कर सकते। तो जीन का साइज छोटा भी हो सकता है, जीन का साइज बड़ा भी हो सकता है। जैसे पीबीआर वेक्टर्स, पीबीआर 322 की बात करें तो ये लगभग 5 to 6 KB का डीएनए कैरी कर सकते हैं, लेकिन जीन का साइज 6 KB से ज्यादा है, 10 KB से ज्यादा है, तो इस तरह के वेक्टर्स कैपेबल नहीं है और आप उस जीन को क्लोन नहीं कर सकते। यदि बड़ा जीन है तो आपको ऐसे वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो एक बड़े डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकता हूं, कैरी कर सकता हूं। तो आप बैक्टीरियोफाज पर जा सकते हैं। तो बैक्टीरियोफाज में आप देख सकते हैं लगभग 10 KB से लेकर के 25 KB के अराउंड तक ये डीएनए कैरी कर सकते हैं, इजिली कैरी कर सकते हैं, इंसर्शन और रिप्लेसमेंट वेक्टर्स में पड़ा। लेकिन कॉस्मिट्स में जाए तो लगभग 45 KB का डीएनए कैरी कर सकते हैं, 45 KB का डीएनए कॉस्मिट्स क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएशन तो यही आ रहा है ना, इस वेरिएशन के बेस पर हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी बेसिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज फॉस्मेट्स को, फॉस्मिड और बे। ठीक है, यदि इस टर्म के साथ मैं यहां पर लिख देता हूं फॉस्मेट्स, और ये लिखा है फॉस्मेट्स, दोनों में क्या अंतर है। लास्ट क्लास में शायद मैंने इस पर डिस्कशन भी किया, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को लेकर के डिफरेंस, इसको लेकर के। ठीक है, यहां पर जो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है वो यफ प्लाज्मिड से, किसे है, यफ प्लाज्मिड से है, जबकि कॉस्मिड्स आर बेसिकली प्लाज्मिड। जो कॉस्मिड्स थे वो क्या थे, बेसिकली प्लाज्मिड थे, बस एडिशनल क्या था, फॉस साइट। और यहां पर लिखा है फॉस्मिड्स, केवल डिफरेंस ये है कॉस्मिड्स में रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट कॉल इवन प्लाज्मिड से था, इसे था कॉलीवन से। ठीक है, और यहां पर जो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है वो यफ प्लाज्मिड से है, यही तो बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ा सर, तो किसको लेकर के डिफरेंस है, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपको यही ध्यान रखना है कि कॉस्मिट्स और फॉस्मिट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, नॉमन क्लेचर से ही इसके डिफरेंस को आप समझ जाएंगे।
ठीक है, ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट किससे है बताइए, यफ प्लाज्मिड से। यदि आपको कॉस्मिड लिखना है तो फिर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट किसका होगा, कॉलीवन। कॉलीवन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को आप मोस्ट ऑफ प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कॉस्मिड इज ए काइंड ऑफ कॉस्मिड वेक्टर, किस तरह का वेक्टर है, कॉस्मिड वेक्टर है, ठीक है, दैट कैरीज अप टू 40 KB ऑफ इंसर्ट डीएनए एंड ए कोस साइट फॉर इन विट्रो बैक्टीरियोफेज लैम्डा पैकेजिंग। सेम कॉन्सेप्ट है, केवल डिफरेंस आ रहा है रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को लेकर के, तो ये भी एक तरह के कॉस्मिड से, लेकिन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट किसका है। द डिफरेंस बिटवीन ए कॉस्मिड एंड फॉस्फेट इज दैट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज, रेप्लिकेशन ऑफ ए फॉस्मेट इज डिराइव्ड फ्रॉम ई कोलाई फैक्टर। ई कोलाई फैक्टर सेक्स प्लाज्मिड या प्लाज्मिड से ये डिराइव्ड है, जबकि कॉस्मिड्स में डेरिवेटिव है कॉल इवन से, किससे डेरिवेटिव है, कॉल इवन से। ये डिफरेंस याद रखेंगे, किसमें, कॉस्मिड और इसकी डीएनए कैरिंग कैपेसिटी कितनी है बताइए, 40 KB। ये कितना डीएनए ले जा सकता है, 40 KB। कॉस्मिड्स लगभग इसी रेंज में डीएनए ले जा सकते हैं, ठीक है। हेंस द नेम, इस वजह से इनको नाम दिया गया फॉस्मिड। द एडवांटेज ऑफ फॉस्मिड इज दैट दे आर वेरी स्टेबल, ठीक है, सिंगल कॉपी वेक्टर्स। यहां पर जो एफ प्लाज्मिड डेराइव्ड रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशन को डायरेक्ट कर सके। जब मैं आपको शुरू में डिस्कशन कर रहा था तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स की दो क्लासेस हो सकती है, एक वीक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होगी और दूसरी स्ट्रॉन्ग। यदि क्लोनिंग वेक्टर डेवलप करना है, कैसा वेक्टर क्लोनिंग, तो एम है कि ज्यादा से ज्यादा, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस की जाएं, और ज्यादा डीएनए कॉपीज तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब क्लोनिंग वेक्टर का रेप्लिकेशन मेन क्रोमोसोम पर इंडिपेंडेंट हो, बार बार वो रेप्लिकेट करे। तो इस रेप्लिकेशन के लिए सिलेक्शन किया था कॉल इवन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट का, क्योंकि ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यफ प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स उतनी पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक डिफरेंस समझना है, यदि ज्यादा डीएनए रेप्लिकेट होगा, बार बार डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो डीएनए का लोड विद इन सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लोड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उससे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। कॉस्मिड्स में रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट यफ प्लाज्मिड की है, इसका है, और ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट इसके एक या दो नंबर को ही, अर्थात कॉपी नंबर बहुत कम है, उसी को मेंटेन करता है, और ये कॉस्मिड्स में कॉपी नंबर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ फॉस्मेट इज दैट दे आर वेरी स्टेबल सिंगल कॉपी वेक्टर्स। स्टेबल का मतलब ये है कि यदि ज्यादा डीएनए कॉपीज आती हैं, ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल विद इन सेल प्रेजेंट हैं, तो चांस रिकॉम्बिनेशन का भी है, इसका है, ठीक है। तो फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, अनयूजुअली यदि रिकॉम्बिनेशन होता है तो डिजायरेबल जो करेक्टर्स हैं उसमें चेंज आ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो एम हमारा होता है ज्यादा से ज्यादा डीएनए को आइसोलेट करना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डीएनए आइसोलेट करने के साथ, प्रोड्यूस होने के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई। लेकिन यदि कॉपी नंबर कम रहता है तो बैक्टीरिया की नॉर्मल फिजियोलॉजी पर कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है और वो कल्चर मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो स्टेबल फॉर्म में रह सकती है, और वो जब डिवाइड करेगा तो सिंपली जो आर डीएनए है वो भी बैक्टीरिया के साथ डिवाइड होता रहेगा। तो यहां पर एक एडवांटेज है फॉस्मिड का, इज दैट दे आर वेरी स्टेबल सिंगल कॉपी वेक्टर, वेयर एज कॉस्मिड्स आर मेंटेन्ड एट हाई कॉपी नंबर विच ऑफन लीड्स टू डिलीशन और रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द इंसर्ट डीएनए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डीएनए प्रोड्यूस होंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी रिकॉम्बिनेशन करना है,
डीएनए मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, रिकॉम्बिनेशन कर लेना, ठीक है। डायनामिक मॉलिक्यूल है, कोई स्टैटिक नहीं है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा एनवायरमेंट से डीएनए का अपटेक कर लिया बैक्टीरिया, एनवायरमेंट से डीएनए का क्या हो गया, अपटेक हो गया। तो डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में रिकॉम्बिनेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस जुड़े होते हैं, डिलीशन भी हो सकता है। क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन में आपने स्टडी किया कि इन्वर्जन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं, ट्रांसलोकेशन भी कर सकते हैं, तो हम लोग उन ऑप्शंस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यदि कॉपी नंबर ज्यादा है तो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है एक ही एनवायरमेंट में, इस वजह से जो डिजायर्ड करेक्टर है उनमें बदलाव हो सकते हैं। लेकिन यदि कॉपी नंबर कम है, कॉपी का नंबर कैसा है, कम है, तो वो ट्रांसफॉर्म सेल स्टेबल कंडीशन में रह सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फॉस्मेड क्या है और क्या करेक्टर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉस्मेड से कैसे ये डिफरेंट है, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं यदि क्वेश्चन लिखता हूं कि फॉलोइंग सम स्टेटमेंट मेड रिगार्डिंग फॉस्मेट्स, तो जाहिर सी बात है मैं एक या दो करेक्टर किसके लिए लिखूंगा, फॉस्मेट के लिए, और एक दो करेक्टर किसके लिए लिखूंगा, कॉस्मेट के लिए। बस आपको यही तो आना चाहिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट में, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। बाकी कॉन्सेप्ट कैसा है, सेम है। तो आप दो शब्द कह सकते हैं या सिंपली एक टर्म बोलिए, इसके बाद करेक्टर बता देंगे, डिफरेंस बता देंगे। फॉस्मेट्स आर बेसिकली कॉस्मेट्स बट दे कंटेन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट डिराइव्ड फ्रॉम या प्लाज्मेट। तो फॉस्मेट्स भी कॉस्मेट्स हैं, बस इनके पास रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट या प्लाज्मेट्स हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, फॉस्मेट और कॉस्मेट का बेसिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका कॉपी नंबर बहुत कम है, एक दो नंबर में ये आपको मिलेंगे, अर्थात पर सेल इनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं होगा। कॉस्मेट का नंबर कैसा होगा, ज्यादा होगा, लेकिन डिफरेंस यहां पर है कि जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो यहां ज्यादा स्टेबल है, कॉस्मेट में स्टेबल कम होगी, ठीक है। डीएनए कैरिंग कैपेसिटी लगभग मोर और लेस इक्वल है, इसमें भी 40 केबी का ले जा सकते हैं, वहां पर भी 42-45 केबी ले जा सकते हैं, ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, केवल टर्मिनोलॉजीज हैं, आप ये ध्यान रखिएगा क्या बेसिक डिफरेंस किया है, आपको ये ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट अलग अलग पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपसे केवल कॉस्मेट के बारे में या फॉस्मेट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यदि एग्जामिनर कॉस्मेट पूछेगा तो फॉस्मेट के करेक्टर भी लिख सकते हैं, और यदि फॉस्मेट पूछेगा तो फॉस्मेट के करेक्टर लिख देगा। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट आप सब पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आते हैं M13 बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर्स क्या हैं। तो जब मैंने आपको शुरुआत में ई कोलाई के लिए वेक्टर्स के बारे में बताया तो वहां पर M13 के बारे में बताया था, ठीक है। देखिए M13 एक बैक्टीरियोफाज वायरस है, डीएनए वायरस है, कैसा है, और ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, बहुत ही आसान है। एज ए स्टूडेंट आपके सामने जब कभी भी M13 बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो यदि उसमें कई सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, स्ट्रक्चरल पोर्शन से क्वेश्चन नहीं है, तो M13 बेस्ड वेक्टर्स किसके लिए यूज करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए या क्लोन करने के लिए हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, M13। यदि आप इस करेक्टर को ध्यान रखेंगे तो 50% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस M13 बेस्ड होंगे, समझ में आ रहा है। तो M13 बेस्ड वेक्टर्स को यूज किया जाता है फॉर द क्लोनिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों प्रोड्यूस करें, डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन सिंगल स्टैंडर्ड। तो फिर हम सिंगल स्टैंडर्ड क्यों प्रोड्यूस करें,
मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे? बाद में हम लोग इनके कैरेक्टर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, M13 बेस्ड वेक्टर्स किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं उन पॉइंट पर बात कर रहा हूं, ये दो पॉइंट भी ध्यान रखोगे तो 70-80% हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और एक दो पॉइंट और एडिशनल ध्यान कर लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो M13 अपने आप में क्या है, तो एक बैक्टीरियोफाज है, इकोलाई बैक्टीरियोफाज है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। कैसा वायरस है? सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। ये समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों प्रोड्यूस किया जाए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस क्यों प्रोड्यूस किया जाए? तो एक बहुत पोटेंशियल यूज है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का। यदि हम लोगों को सीक्वेंसिंग करनी हो, डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी हो, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे होती है और कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आज की डेट में डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार, तो सिंपल केवल स्टेप्स पूछ लिए थे सेक्शन सी। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यूजफुल है डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। यदि हमें किसी एक डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता दिया जाए तो आप दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे। तो डीएनए मॉलिक्यूल में सीक्वेंसिंग करनी है तो एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चल जाए, दूसरा तो उसका कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। समझ में आ रहा है? दूसरा, यदि हम लोग, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है और सीक्वेंसिंग करने चल रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां है? जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करके निकालेंगे तो चांस इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। तो फिर आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन पहले कौन बाद में? भाई यहां पर एड्रीन हो, यहां पर थायमीन हो, और दोनों एक साथ सॉल्यूशन में क्या हो गए? रिलीज हो गए। तो आप कौन से न्यूक्लियोटाइड को कहां पर लगाएंगे? आप तो सीक्वेंस लिख रहे हैं ना, वन बाई वन आप सीक्वेंस लिखते जा रहे हैं। इस वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास है तो फिर यदि कोई न्यूक्लियोटाइड रिलीज हो रहा है और उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो किसी ना किसी एंड से तो आया होगा। तो जब डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमारे लिए यूजफुल कौन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड। आपको इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रैंड का यदि हम लोगों को सीक्वेंस पता है तो दूसरे का हम लोग सीक्वेंस बता सकते हैं या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस करने का एक पोटेंशियल यूज ये है। ठीक है, हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं किसी भी डीएनए की, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं क्योंकि क्लोनिंग कर रहे हैं ना, उन मल्टीपल कॉपीज को हम लोग यूज कर सकते हैं सीक्वेंसिंग। किसमें यूज कर सकते हैं? एक तो पोटेंशियल यूज ये हो गया। तो एक एज ए स्टूडेंट जब आप जाएंगे और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई वेक्टर है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल है, M13 बेस्ड वेक्टर हमारे पास है। तो एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि हम सिंगल स्टैंडर्ड प्रोड्यूस क्यों करें, हम डबल स्टैंडर्ड बनाए? ठीक है, तो आपके पास आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज सीक्वेंसिंग में करते हैं, पोटेंशियल यूज है। केवल ऐसा नहीं केवल यही कर रहे हैं, और भी यूज है। मैं आपको एज ए स्टूडेंट एक पोटेंशियल यूज बता रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। कौन सा वायरस? M13। इससे पहले आप बैक्टीरियोफाज लेमडा पढ़ चुके हैं। कौन सा पढ़ चुके हैं? अब कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? कैसा वायरस है, कितने बेस पेयर लॉन्ग हैं, बताइए। लगभग 6 KB का डीएनए है। कितने का? 6000 बेस पेयर से ज्यादा है, ऑन एन एवरेज 6 KB का है। और आप ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि एक आइडियल वेक्टर का साइज लेस देन 10 KB होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बैक्टीरियोफाज लेमडा का साइज काफी बड़ा था। क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे सॉल्व किया उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और इसका जीनोम साइज 6 KB के अराउंड है और टोटल जो बेस पेयर है वो है 6407 बेस पेयर। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम, इसके साथ एक प्रॉब्लम है,
एज ए वेक्टर M13 को ठीक है डेवलप करने में एक प्रॉब्लम है, जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा के साथ प्रॉब्लम्स थी वैसे इसके साथ भी प्रॉब्लम है। इसके पास 10 जीन है, कितने जीन है 10 जीन है, इट हैज 10 क्लोजली पैक्ड जीन्स ईच एसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द फॉस, हर एक जीन एसेंशियल है फॉस के रेप्लिकेशन के लिए। 10 जीन है और सभी जीन किसके लिए एसेंशियल है, तो आप मुझे बताओ क्या बैक्टीरियोफेज लैम्डा की तरह आप इससे जीन्स को डिलीट कर सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने 15 KB का पोर्शन बैक्टीरियोफेज लैम्डा में, 15 KB का पोर्शन जिसे नॉन एसेंशियल रीजन बोला था डिलीट कर दिया था, जिसमें जीन्स प्रेजेंट थे जो डिसाइड करते हैं लाइसोजेनी। क्या M13 बैक्टीरियोफेज में आप इन जीन्स को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है रेप्लिकेशन ऑफ फॉस, और हम लोग क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं, जब तक रेप्लिकेशन नहीं तब तक क्लोनिंग वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट नहीं, जब वेक्टर रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो वेक्टर किस काम, समझ में आ रहा है। तो इसके पास कितने जीन्स हैं, 10 जीन है, 10 जीन है, सभी कैसे हैं एसेंशियल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कैसे हैं क्लोजली पैक्ड, अर्थात इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक के बाद एक जीन है, सभी एसेंशियल है, समझ में आ रहा है। वायरस का अपने अपना ट्रांसक्रिप्शनल पैटर्न होता है, आपने पढ़ा किस तरह से बैक्टीरियोफेज लैम्डा में डिफरेंट प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन हो रहे थे, तो यदि इन जीन्स में बदलाव करते हैं तो एक तो रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी लॉस हो जाएगी, रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डीएनए को इंसर्ट कहां किया जाए, स्पेस कैसे क्रिएट किया जाए, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने इस वजह से रख रहा हूं क्योंकि एक स्पेशल क्लास ऑफ वेक्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको नाम देते हैं फाजमिड्स, क्या नाम देते हैं, फाजमिड्स क्या है और क्यों डेवलप हुए हैं, किससे डेवलप हुए हैं, उसका बैकग्राउंड हम लोग सेट कर रहे हैं M13 पर, इस पर M13 पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, और शायद उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और ये एक रॉड शेप्ड वायरस है, कैसा है रॉड शेप्ड है, आप ऐसे समझ लें, ये इसका कैप्सिड है, क्या है कैप्सिड, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका जीनोम साइज 6 KB के राउंड है, 10 जीन है, क्लोजली प्लेस है, और सारे जीन्स एसेंशियल हैं इसके रेप्लिकेशन के लिए। तो जब आप इसे एज ए वेक्टर डेवलप करेंगे तो इसके कौन से जीन्स को हटाएंगे और अपना डीएनए कहां इंसर्ट करेंगे, क्वेश्चन तो यहां पर, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को कोई ना कोई तो ऐसा प्रोसीजर डेवलप करना होगा, इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा जिससे इसके यूजफुल कैरेक्टर हमें मिल जाएं, हमें कम से कम वो रीजन डीएनए का मिल जाए M13 से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करता हो किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड में, इसमें कन्वर्ट करता हो, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की पैकेजिंग को भी डायरेक्ट कर लेता हो, क्योंकि यदि वायरस बेस्ड वेक्टर होंगे तो उनका कैप्सिड में पैक होना भी जरूरी है। तो M13 का वो डीएनए पोर्शन जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन को डायरेक्ट करता हो और साथ में पैकेजिंग को डायरेक्ट करता हो, जैसा कॉस साइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यदि वो पोर्शन मिल जाए और हम लोग किसी प्लाज्मिड के साथ लगा लें तो फिर ये एज ए M13 बैक्टीरियोफेज में बिहेवियर करेगा, ये समझ में आ रहा है। M13 बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर्स यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसके लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आर यूजफुल इन द सीक्वेंसिंग एंड इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, म्यूटेशन करने के लिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, देखिए क्या चेंज करना होगा और हम लोग M13 बैक्टीरियोफेज से कौन से वेक्टर डेवलप कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैसे डेवलप किया, ठीक है।
और हमारे पास एक एग्जाम्पल भी होगा जिसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये इसका बेस पेयर है, इसका जीनोम साइज है, और ये क्या है रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट से, और ये क्या है जीन से, क्या है जीन से, ध्यान रखेंगे। और जीन्स कैसी हैं, क्लोजली प्लेस्ड हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसकी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट के क्लोज यहां पर डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है, इसे आप आईएस जो लिखा है वो इसे इंसर्शन साइट कहेंगे, क्या बोलेंगे। यदि हम लोग किसी भी जो हमारा फॉरेन डीएनए है इस जगह पर इंसर्ट किया जाए तो इसकी किसी भी जीन में इंटरप्शन नहीं आता है, इसका कोई जीन इंटरप्ट नहीं होता है, और इसकी रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। अब दूसरे तरीके समझे, यदि सभी जीन क्लोजली प्लेस्ड होते और कहीं पर भी कोई स्पेस ना होता तब तो डेवलप करना मुश्किल था, फिर तो हम लोग M13 बेस्ड कोई भी वेक्टर डेवलप नहीं कर पाते। यदि हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसी पोजीशन है जहां पर लगाया जा सकता है। तो जब आप रिसर्च में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब आप उन पर रिसर्च करते हैं तो आंसर भी मिलते हैं कि हाँ इस पोजीशन पर हम वर्क कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो M13 बैक्टीरियोफाज में आप जो जीन्स हैं वहां पर तो आप डीएनए को इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट के क्लोज डीएनए सीक्वेंस या डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है, और उस साइट को क्या कहते हैं इंसर्शन साइट। और यहां पर इंसर्शन से इसकी रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब इसे एज ए वेक्टर डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। देयर इज ओनली ए सिंगल 507 न्यूक्लियोटाइड इंटरजेनिक सीक्वेंस इनटू व्हिच न्यू डीएनए कुड बी इंसर्ट विदाउट डिसरप्टिंग वन ऑफ दीज जीन, एंड दिस रीजन इंक्लूड रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट व्हिच मस्ट इटसेल्फ रिमेन इंटैक्ट। यदि इस साइट पर इंसर्ट करते हैं तो इसकी कोई भी जीन इंटरप्ट नहीं होगा और इसकी रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी भी क्या होगी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें चलिए इंसर्ट तो करना है, यदि इसके 6KB का जो डीएनए है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इंसर्ट करेंगे तो लिमिटेशन इसकी भी होगी, इंसर्शन की क्या होगी लिमिटेशन। बैक्टीरियोफाज में तो हम लोगों ने क्या किया था, डीएनए को रिमूव कर दिया था और देन क्या किया था इंसर्ट किया था, यहां पर भी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बेसिकली M13 बेस्ड वेक्टर को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजी क्या यूज की उस पॉइंट पर करी गई, उस पॉइंट पर ध्यान दो। M13 बैक्टीरियोफाज एक ऐसा फाज है जो अपने डीएनए को बदल देगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, किसमें बदलेगा, और इसकी डीएनए साइट इसके अपने जीनोम की पैकेजिंग करा देंगी कैप्सिड में, जैसे कॉस साइट करा रहे थे, ठीक है। इन दो करेक्टर्स के बेस पर हम लोग M13 से कुछ हाइब्रिड वेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं, हाइब्रिड वेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, M13 बैक्टीरियोफाज के ये करेक्टर्स हम लोगों को पता है, डीएनए को यहां पर इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि वायरस को इसी तरह से वायरस के जीनोम को एज ए इंटैक्ट जीनोम को वेक्टर की तरह यूज करें तो उतना यूजफुल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, M13 वायरस के यूजफुल करेक्टर्स को अलग करके प्लाज्मिड वेक्टर्स के साथ फ्यूज कर सकते हैं, किसके साथ, जिससे हम एक बेहतर वेक्टर डेवलप कर सकें, समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रेटजी जैसे हम लोगों ने प्लाज्मिड में कॉस साइट को प्लेस कर दिया था और हाइब्रिड वेक्टर बना दिया, उसी तरह से यदि M13 की यूजफुल कैरेक्टर्स को प्लेस कर लिया जाए किसमें, प्लाज्मिड में, तो कुछ बेहतर या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में यूजफुल प्लाज्मिड्स यूजफुल वेक्टर्स को डेवलप किया जा सकता है। ये स्ट्रेटजी हमारे लिए कैसी होगी, ज्यादा बेहतर होगी, समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर होगी।
बेहतर क्यों होगी? एज ए नेचुरल वायरस यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है, ये समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन तो यही उठता है कि बैक्टीरियोफेज M13 से कौन से यूजफुल कैरेक्टर, कौन सा यूजफुल कैरेक्टर का मतलब है उसका डीएनए सीक्वेंस जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बाहर निकालेंगे और अपने प्लाज्मिड के साथ यूज करेंगे, कौन सा प्लाज्मिड वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या करते हैं, हम लोगों को दो कैरेक्टर्स की जरूरत है, एक तो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट की, किसकी जरूरत है, और उस डीएनए सीक्वेंस की जो डीएनए सीक्वेंस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब ये वायरस रेप्लीकेट होगा तो ये भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रेप्लीकेट होता है, लेकिन इसके पास एक स्पेसिफिक डीएनए साइट है जहां पर आकर के एंजाइम बाइंड करता है और वो एंजाइम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट कर देता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, और इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड वायरस प्रोड्यूस होते हैं। और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में भी क्या होगा, पैक हो जाएगा। तो जब ये सेल में रेप्लीकेट करेगा तो ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रेप्लीकेट करेगा, लेकिन हमें इसे बदलना किसमें है, सिंगल स्टैंडर्ड। तो इस बैक्टीरियोफेज की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसके पास अपना डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम को बाइंडिंग साइट देगा और वो एंजाइम इस डीएनए को कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये कोई यूनिक केस आप नहीं पढ़ रहे हैं, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो आरएनए क्या बनता है, आरएनए, आरएनए है एचआईवी वायरस में, यदि हम लोग केस में देखें तो कौन सा उसका जीनोम है, आरएनए। इस आरएनए को कॉपी करके वो क्या बनाता है, डीएनए। तो एक आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन जाता है ना, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनने के बाद यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के पास अपनी आरएनएज एच एक्टिविटी है, आरएनएज एच के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आरएनएज एच, ये आरएनएज एच क्या करता है, इस आरएनए को डिग्रेड कर देता है, बचा कौन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देन इस डीएनए को फिर कॉपी कर देता है, सिंथेसाइज करता है, बदल जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये कोई नया केस आप नहीं पढ़ रहे हैं। उसी तरह से एम थर्टीन के पास भी डीएनए साइट है और एंजाइम है, एंजाइम कोड करता है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। इसमें कन्वर्जन होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, समझ में आ रहा है? और साथ में इसकी स्पेसिफिक साइट्स जो इसकी पैकेजिंग इसके कैप्सिड में करा देंगे, तो ये एज ए बैक्टीरियोफेज पार्टिकल ये प्रोड्यूस होगा। तो दो करेक्टर की जरूरत है, एक तो वो डीएनए सेगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा वो सेगमेंट जो इसकी पैकेजिंग कैप्सिड में करा दे। यदि हम दो इन प्रॉपर्टीज को अलग कर लें एम थर्टीन से और किसके साथ प्लेस कर लें, प्लाज्मिड के साथ, तो एक हाइब्रिड वेक्टर बन जाएगा और उस वेक्टर से हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्योंकि जब वो प्लाज्मिड होगा और प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, रेप्लीकेट करेगा, लेकिन बैक्टीरियोफेज का करेक्टर उस डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड को कन्वर्ट करा देगा सिंगल स्टैंडर्ड में और पैकेजिंग भी करा देगा, और इस तरह से वेक्टर डेवलप हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? तो एम थर्टीन को ध्यान रखेंगे, एम थर्टीन क्या है, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एम थर्टीन क्लोनिंग वेक्टर। यदि एम थर्टीन क्लोनिंग वेक्टर हमें डेवलप करना है या एम थर्टीन क्लोनिंग वेक्टर को डेवलप करना है तो कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, जरा यहां पर ध्यान दें। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना है लेकिन ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है और ये वो पोजीशन है जहां पर डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है। किसको इंसर्ट कर सकते हैं, डीएनए को। यहां पर किसको प्लेस कर दिया, जेड जीन को, किसको प्लेस किया, और जेड जीन में ही क्या प्रेजेंट है, पॉली लिंक, क्या प्रेजेंट है। यदि हम लोग देखें तो कुछ नहीं किया है, जो पीयूसी वेक्टर्स हैं, पीयूसी वेक्टर्स का जेड जीन और पॉली लिंकर को यहां पर प्लेस कर दिया। पॉली लिंकर क्या करेगा, एक तो इंसर्शन साइट देगा और जेड जीन सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फर्स्ट इलेक जेड जीन इंट्रोड्यूस इनटू दी इंटरजेनिक सीक्वेंस, पॉली लिंकर वर देन इंसर्टेड इनटू दी जेड जीन। दी पॉली लिंकर आर दी सेम एज दी यूज्ड इन पीयूसी प्लाज्मिड, कौन से प्लाज्मिड, पीयूसी।
तो जब भी हमें M13 बेस्ड वेक्टर को डेवलप करना है तो जो उसका इंटरजेनिक सीक्वेंस है, इंसर्शन साइट है, वहां पर हम लोग जेडजीन और जेडजीन के साथ पॉलीलिंकर सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जैसा यूज किया था पीयूसी वेक्टर्स। ठीक है, एक क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट विद द M13 वेक्टर सिंपली इन्वॉल्व इंसर्टिंग द न्यू डीएनए इनटू वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट इन द पॉलीलिंकर एंड देन ट्रांसफेक्टिंग कॉम्पिटेंट इकोलाई सेल आफ्टर प्लेटिंग आउट ऑन यक्स गैलेक्टोज अगार रिकॉम्बिनेंट प्लाक्स आर आइडेंटिफाइड बाई ब्लू वाइट कलर टेस्ट। ब्लू वाइट वो जेडजीन का ब्लू वाइट कलर टेस्ट है, मैं आपको वेक्टर पढ़ाने के बाद जब सिलेक्शन बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो जेडजीन प्लेस करने और पॉलीलिंकर को प्लेस करने का मतलब है हम लोग डीएनए मल्टीपल का क्लोनिंग साइट से वहां पर डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं और जेडजीन के बेसिस पर हम लोग सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पर आते हैं कि कौन से वेक्टर हैं जिसको हम लोग M13 बेस्ड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, M13 बेस्ड वेक्टर कौन से हैं जिसको डेवलप किया गया है, तो M13 वायरस हो गया और वायरस को यूज करते हैं एज ए वेक्टर। तो वेक्टर की तरह यूज करने के लिए उसके इंटरजेनिक इंसर्शन सिक्वेंस पर हम लोग जेडजीन लगा सकते हैं और पॉलीलिंकर प्लेस कर सकते हैं, उसको बदल दिया एज ए वेक्टर। लेकिन कौन सा इस फैमिली का वेक्टर है, उसका नाम क्या है, जैसा आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज लैम्डा में इंसर्शन और रिप्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो इंसर्शन और रिप्लेसमेंट वेक्टर दो तरह के वेक्टर्स डेवलप किए। इंसर्शन में भी आपने दो एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था, लैम्डा GT10 के बारे में पढ़ा था ना, एंड लैम्डा Z2 के बारे में पढ़ रखा था। उसी तरह से M13 बेस्ड वेक्टर कौन है, PEMBL8। यदि ये वेक्टर आता है तो आप समझ जाएंगे कौन सा वेक्टर है, M13 बेस है, कैसा है। और दूसरा आंसर आपको ये मिल जाएगा, यदि ये यूज हो रहा है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। नहीं समझ पा रहे, जैसे लैम्डा GT10 वेक्टर यदि आपको दे दिया जाए तो आप बता देंगे इसके करेक्टर क्या है, क्या बताना चाहेंगे। बताइए कौन सा वेक्टर है, लैम्डा बेस्ड है, इंसर्शन वेक्टर है। ठीक है, कितना डीएनए कैरी कर सकता है बताइए, 8KB का डीएनए कैरी कर सकता है। समझ में आ गया, मैं केवल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है, जैसे ही PEMBL8 कौन सा है, तो P को यदि हम लोग साइड कर दें तो EMBL लिखा है ना, समझ में आ रहा है कौन सा, EMBL8 ये पहले है। जैसे हमारे सामने आता है हम लोग समझ जाएंगे ये बैक्टीरियोफेज M13 बेस्ड है, M13 बेस्ड है तो कैसा डीएनए, किस डीएनए को, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की क्लोनिंग के लिए है। समझ में आ रहा है, अब इसको कैसे डेवलप करेंगे, तो डेवलप करने का तरीका बेहद आसान है, क्यों ना पीयूसी वेक्टर्स के साथ M13 के यूजफुल कैरेक्टर्स को लाइगेट कर लिया सर, कौन से वेक्टर्स के साथ, और पीयूसी वेक्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इन वेक्टर्स को डेवलप करने के लिए बैक्टीरियोफेज लैम्डा का रेप्लिकेशन और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन के लिए जो साइट रिस्पॉन्सिबल थी उस डीएनए सेगमेंट को निकाल करके पीयूसी वेक्टर में प्लेस कर लिया और प्रोड्यूस कर लिया EMBL8 वेक्टर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, देखिए जरा ये M13 डीएनए फ्रेगमेंट है, ये जो पोर्शन है ये वाला किसका है, M13, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये जेड जीन है, और इसी जेड जीन में क्या होगा, पॉलीलिंकर कौन सा होगा। ठीक है, अब मैं फाइनली एक पॉइंट बोल रहा हूं, सभी लोगों को ध्यान रखना है, M13 बेस्ड वेक्टर्स डेवलप किए गए, ठीक है, फॉर द क्लोनिंग ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये वेक्टर पीयूसी वेक्टर्स पर बेस्ड है।
किस पर बेस्ड है, ध्यान रखोगे तो किसको लिया, पीयूसी को। और पीयूसी के बारे में आप फेमिलियर है पहले से, पीयूसी वेक्टर्स के बारे में आपको पता है। केवल क्वेश्चन यही तो उठता है कि बैक्टीरियोफेज से कौन सा करेक्टर लगा दिया पीयूसी में, यही तो जानना है ना। ठीक है, तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। हम लोग पर तो बहुत सारे पॉइंट रहे हैं, लेकिन जब आपको याद रखने की बारी आएगी, आपको किसी को बताना है, या एग्जाम में जो कॉम्पिटेटिव जो स्किल आपकी है वहां पर, तो यही काम आएगा कि पीयूसी बेस्ड है और बैक्टीरियोफेज हम 13 के कौन से करेक्टर प्लेस किए थे, इसी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाई ईएमपीएल जो वेक्टर है, कंस्ट्रक्टेड बाई ट्रांसफर ऑफ 1300 बेस पेयर फ्रेगमेंट ऑफ द यम 13 जीनोम इनटू पीयूसी 8। पीयूसी 8 पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, दिस पीस ऑफ यम 13 डीएनए कंटेन द सिग्नल सीक्वेंस। इस 1300 बेस पेयर का जो सीक्वेंस हम लोगों ने लिया है बैक्टीरियोफेज यम 13 से, उसमें सीक्वेंस है रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम दैट कन्वर्ट नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड यम 13 मॉलिक्यूल इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बिफोर द सिक्रीशन ऑफ न्यू फर्स्ट पार्टिकल। इस 1300 बेस पेयर में वायरस का जो डीएनए है उसमें वो सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, जो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंजाइम के द्वारा, और वो एंजाइम इस डबल स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर देगा इससे पहले कि फास्ट पार्टिकल बैक्टीरिया से सिक्रीट होकर के बाहर जाएं, अर्थात बैक्टीरिया को लिसिस करके बाहर रिलीज हो। तो जितने भी बैक्टीरियोफेज बनेंगे वो कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग होंगे, ध्यान रखेंगे। सो ईएमबीएल 8 मॉलिक्यूल आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिक्रीटेड एज ए डिफेक्टिव फास्ट पार्टिकल। तो जो भी, अब यहां पर मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से कहूं कि जब पीयूसी 8 वेक्टर में इस 1300 बेस पेयर सीक्वेंस को हम लोग प्लेस कर देते हैं, तो ये सीक्वेंस बाइंडिंग साइड देता है एंजाइम को, और वो एंजाइम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बदल देगा और इस वायरस का जो डीएनए है उसे पैक करा देगा यम 13 कैप्सिड में, और जो भी वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उसमें जो वेक्टर होगा वो कौन होगा, ईएमबीएल अर्थात पीयूसी 8 वेक्टर के साथ बैक्टीरियोफेज का 1300 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा एज ए डिफेक्टिव फास्ट पार्टिकल ये प्रोड्यूस होंगे। तो ये फास्ट पार्टिकल्स डिफेक्टिव हैं, बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, और क्वेश्चन ये उठता है जब डिफेक्टिव हैं तो ये फिर रेप्लिकेट कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पी ईएमबीएल का जरा सा कैरेक्टर देख लीजिए, किसके डेरिवेटिव से, ठीक है, पॉल ईवन डेराइव्ड एंड यम 13 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यदि ये पीयूसी वेक्टर है तो इसकी अपनी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होगी, और साथ में यदि हम लोग इसमें बैक्टीरियोफेज यम 13 का डीएनए प्लेस कर रहे हैं तो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट के क्लोज का डीएनए प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तो जीन्स है ना, तो उसमें यम 13 की भी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है। तो क्वेश्चन यहां पर यह होगा आपसे, ये कैरेक्टर में पूछा जा सकता है कि ईएमबीएल वेक्टर्स के पास रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट किसकी होती है, पीयूसी वेक्टर की होगी या बैक्टीरियोफेज की होगी, तो दोनों की है, दोनों का है, ठीक है, हैज पॉलीलिंकर किसमें प्रेजेंट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्लोन, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 10 केवी से 10 केवी तक का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इस पर क्लोन किया जा सकता है, कितने केवी का, ठीक है, तो ये पीयूसी वेक्टर बेस्ड हाइब्रिड वेक्टर है, ये पोर्शन किसका है बताइए, यम 13 का, और ये फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन के लिए और पैकेजिंग के लिए, इसके लिए पैकेजिंग के लिए जेड जीन है, यहां पर हम लोग डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, यहां पर क्या प्रेजेंट है, पॉलीलिंकर, तो डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे हैं, इतना यहां तक पढ़ चुके हैं तो समझ तो रहे होंगे ना। अब जरा यहां पर देखिए, थोड़ा सा इन्फेक्टिव, जब ये किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो रिजल्ट क्या होंगे,
क्योंकि पीयूसी वेक्टर्स कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड बताइए। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे हैं, और जब इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 1300 बेस पेयर का सेगमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी डबल स्टैंडर्ड होगा, ध्यान रखेंगे। तो EMBL 8 वेक्टर्स डबल स्टैंडर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन प्रोड्यूस क्या करना है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये पोर्शन किसका है, इसको इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया में, इसी डीएनए में बाइंडिंग साइट है एंजाइम के लिए M13 रेप्लिकेशन प्रोटीन, जिसका फंक्शन है डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जब बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये एज ए प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, एज ए प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस वेक्टर पर M13 रेप्लिकेशन प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, तो ये प्रोटीन आकर के इसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये एक डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, और ये जो डीएनए प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दूसरे शब्दों में ये कहें तो ये EMBL एक तरह का पीयूसी वेक्टर है जो वायरस की डीएनए साइट्स की वजह से बदल रहा है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसमें बदल रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो बेसिक डिफरेंस है। देन इसके बाद ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पैक हो जा रहा है, बैक्टीरियोफेज में, उसके कैप्सिड में क्या हो रहा है, पैक हो रहा है। अरे बैक्टीरियोफेज बेस्ड वेक्टर होंगे तो किसमें पैक होंगे, कैप्सिड में, इसी वजह से उस डीएनए को सेलेक्ट किया जो इसे किसमें पैक करा सके, कैप्सिड में, और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा सके। दो पॉइंट मैंने आपसे बोले कि बैक्टीरियोफेज M13 से दो कैरेक्टर्स लिए जाएंगे, एक वो कैरेक्टर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करा सके सिंगल स्टैंडर्ड में, और दूसरा वो कैरेक्टर जो इसकी पैकेजिंग करा सके उसके कैप्सिड में, ये ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है कौन सा वेक्टर है, EMBL 8। अब क्वेश्चन ये उठता है ये डिफेक्टिव पार्टिकल्स हैं, ये डिफेक्टिव M13 फास्ट पार्टिकल, डिफेक्टिव का मतलब ये है कि ये कैप्सिड में पैक भी है, किसमें पैक्ड है, कैप्सिड में, ठीक है, क्योंकि इस जो हाइब्रिड वेक्टर है इसमें वो डीएनए साइट्स हैं वायरस की जो पैकेजिंग को डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है, इस वजह से ये पैक हो गया। लेकिन वायरस की जो 10 जीन्स थे, 10 जीन हम लोगों ने पढ़े थे, वो तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने केवल 1300 बेस पेयर का सेगमेंट जो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट के क्लोज था उसको प्लेस कर दिया था पीयूसी वेक्टर में, किसमें प्लेस कर दिया, पीयूसी वेक्टर। ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को निकाल करके पीयूसी वेक्टर में प्लेस कर दिया, बाकी पोर्शन तो छोड़ दिया था ना, M13 से हम लोगों ने उसी डीएनए पोर्शन को तो अलग कर लिया जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के लिए और पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये पोर्शन छोड़ दिया, और यही पोर्शन जीन कैरी करता है जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वायरल रेप्लिकेशन के लिए, इसके लिए वायरल रेप्लिकेशन। तो क्वेश्चन तो यहीं पर है कि जब वायरस का रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन होगा कैसे, ये तो डिफेक्टिव पार्टिकल है, क्योंकि इसमें तो पीयूसी वेक्टर के कैरेक्टर हैं, केवल दो कैरेक्टर वायरस के हैं। तो वायरस का रेप्लिकेशन और कैप्सिड बनने के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो कहां से लाए, मुझे लग रहा है कि आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, बताइए। क्या करें इसके लिए, तो वेक्टर तो डेवलप कर लिया है, लेकिन जो भी हमारे पास फास्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें EMBL डीएनए है वो डिफेक्टिव फास्ट है, और वेक्टर तो वो होना चाहिए जो रेप्लिकेट कर सके, तो फिर ये कैसे बनेंगे। और यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि यदि ये फास्ट पार्टिकल बन रहे हैं तो इनकी कैप्सिड प्रोटीन कैसे कोड हुई, क्योंकि EMBL में इतना ही पोर्शन फास्ट का है और ये पोर्शन प्रोटीन कोड नहीं करता, ये पोर्शन जीन कैरी नहीं करता है, बाकी तो पीयूसी वेक्टर है,
तो फिर ये कैप्सिड कैसे बने? बताइए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा जो क्वेश्चन ना समझ पा रहा हो? देखो ये कैसा डीएनए बन गया है, लेकिन इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को पैक करने के लिए कैप्सिड की जरूरत होगी, कैप्सोमियर्स की जरूरत होगी, प्रोटीन्स की। वो प्रोटीन कहां से बने? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफाज के जीन्स तो आए नहीं है। बैक्टीरियोफाज का एक स्मॉल पोर्शन हम लोगों ने डीएनए का लगा दिया है, और वो डीएनए पोर्शन कैप्सिड प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है। तो फिर ये कैप्सिड प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज हो? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत आसान है, और यहां से आप एक स्ट्रेटजी और समझ पाएंगे कि वेक्टर्स के साथ हम दूसरी स्ट्रेटजी कैसे यूज करते हैं। प्लांट में जब वेक्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे, प्लांट वेक्टर्स को डेवलप करने के लिए भी स्ट्रेटजी यूज की जाती है। तो ये कैसे फाज है? डिफेक्टिव फाज है। जिस इकोलाई को हम लोग इन्फेक्ट कराते हैं इन फाज से, डिफेक्टिव फाज से, जिन इकोलाई में इन डिफेक्टिव फाज को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, उस ई कोलाई को नेचुरल एम 13 से भी इन्फेक्ट कराना हो। इसे नेचुरल, जो नेचुरल एम 13 होगा वो बनाएगा फास्ट पार्टिकल्स, क्योंकि वो तो नेचुरल वायरस है, और वो क्या बनाएगा? फास्ट पार्टिकल। दूसरी तरफ ये जो EMBL डीएनए है वो भी तो कन्वर्ट होगा किसमें? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये भी तो एज ए वायरल डीएनए रेप्लीकेट करेगा। तो वायरल डीएनए यहां से रेप्लीकेट हो रहा है, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है जो रेप्लीकेट होगा, और जो नेचुरल वायरस है वो कैप्सिड प्रोटीन बनाएगा। इस तरह से जो फास्ट पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, ठीक है, उनमें ये डीएनए क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं, सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जिन बैक्टीरिया को हम लोग इन वेक्टर्स से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन बैक्टीरिया को नेचुरल एम 13 से भी इन्फेक्ट कराते हैं। इसे नेचुरल एम 13, तो नेचुरल एम 13 जो वायरस हैं जिनमें सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, वो कैप्सिड प्रोटीन कोड करेंगे, और ये क्या हो रहे हैं? रेप्लीकेट कर रहे हैं। इसके पास भी तो वायरस की तरह रेप्लीकेशन ओरिजिन साइट है, और दूसरी तरफ कॉल इवन ओरिजिन साइट भी है, तो ए भी डीएनए बनेंगे, और इसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए है। प्लांट में भी जब आप टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर भी ये सेम स्ट्रेटजी यूज की जाती है। टीआई प्लाज्मिड का नाम सुना है ना, वहां पर भी ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं। दोनों दोनों तरह के हम लोग डीएनए यूज करेंगे, नेचुरल भी और जो सिंथेटिक होगा जिसको लैब में मॉडिफाई किया है, दोनों तरह की स्ट्रेटजी यूज की जाएगी। ये नहीं समझ पा रहे, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली एम 13 से कौन से वेक्टर्स, या ये कहें कि एम 13 के, ठीक है, वायरस के जो वायरस का जो डीएनए है उसके दो बेसिक कैरेक्टर्स को किसके साथ फ्यूज कर लिया? पीयूसी वेक्टर्स के साथ। और कौन सा वेक्टर प्रोड्यूस हुआ? ईएमबीएल। कौन सा वेक्टर? ईएमबीएल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, फाजमिट्स किसे कहते हैं? फाजमिट्स क्या होते हैं? फाजमिट्स किसे कहते हैं? ये फाजमिट्स क्या है? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं
अब ये फॉस्फेट क्या है, इनमें क्या चेंज करना है, इनको कैसे डेवलप किया सर, बताइए। कुछ लोग बोल भी रहे हैं, बताइए फॉस्फेट ये फॉस्फेट क्या है, बताइए ये फॉस्फेट्स क्या है, ये क्या है, और जाहिर सी बात ही प्लाज्मिड होगा, ये क्या होगा, तो फॉस्फेट हो गया। फॉस्फेट में, प्लाज्मिड में ऐसा क्या लगाते हैं जिससे फॉस्फेट हो जाए, बताइए ऐसा क्या लगा दिया जाए जिससे फॉस्फेट हो जाए। फॉस्फेट में क्या पड़ा हुआ है अभी, बताइए क्या पढ़ रखा है फॉस्फेट में, आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, क्या कोई क्वेश्चन, तो बताइए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट केवल यही बचा हुआ है फॉस्फेट्स, क्या कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं प्लाज्मिड के, इसके डेरिवेटिव हैं प्लाज्मिड के, एक्चुअली में फॉस्फेट्स बेसिकली प्लाज्मिड ही हैं, क्या है प्लाज्मिड, जिनके पास अपनी कॉल इवन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट के साथ साथ वायरल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, कौन सी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, वायरल, बाकी सारा जो सिलेक्शन है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और लैग जेड जीन पर प्रेजेंट है, इस पर लैग जेड जीन, जिसके पास पॉलीलिंकर है, क्या है पॉलीलिंकर, इनको एज ए सटल वेक्टर यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है सटल वेक्टर, या हम इनको एज ए एक्सप्रेशन वेक्टर भी यूज करते हैं, इनके पास अपने वायरल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट के साथ साथ प्लाज्मिड रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, और लैक जेड जीन के साथ साथ इसके प्रमोटर भी एसोसिएटेड हैं, जो एक पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को डायरेक्ट कर सकता है, तो हम इसे एज ए क्लोनिंग वेक्टर भी यूज कर सकते हैं और एक्सप्रेशन वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों मल्टीपर्पज वैक्टर की तरह से यूज किया जा सकता है, एज ए क्लोनिंग, एज ए, बताइए ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके करेक्टर क्या होंगे, उसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट हमें, हम लोगों को और पढ़ने होंगे, और वो होंगे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, क्या होंगे
आर्टिफिशियल, क्योंकि इसको यदि हम लोगों को पढ़ना है तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को पढ़ना है और देन उनको समराइज कर लेंगे, फास्फेट के भी कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैंने इसको इस वजह से लिख दिया है क्योंकि ये है फॉस्मेट और ये क्या है फॉस्मेट और ये क्या है, समझ में आ रहा है? और एक टर्म और यूज होता है वो है फॉस्मेट, समझ में आ रहा है? इन दो को हम लोग क्या कर चुके हैं, जस्टिफाई कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं क्या है और ये क्या है फॉस्मेट। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पढ़ लेंगे इसके बाद, उसी के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो दो टर्म और हैं जो यूज किए जाते हैं, एक टर्म है फॉस्मिड और एक है फॉस्मिड, समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दोनों को भी स्टडी करेंगे। कई बार स्टूडेंट इनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये दो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पढ़ने के बाद हम लोग इनको डिस्कस करेंगे और वहीं पर सटल वेक्टर की बात करेंगे। इसकी सटल वेक्टर में कुछ और नहीं करना है, बस एक्सप्रेशन के लिए हमें उसमें प्रमोटर्स को और प्लेस कर देना है, इसको प्लेस करना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है दो अलग अलग बैक्टीरिया वगैरह में भी उसका रेप्लिकेशन हो सके। तो कोई नया कॉन्सेप्ट हम लोग सटल वेक्टर में पढ़ने वाले नहीं है, कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स को प्रोवाइड कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सटल वेक्टर, ये समझ में आ रहा है? तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, आप एक पॉइंट से बहुत इजीली समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है। ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, किसका प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया का, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, इसके पास अपनी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है। हम लोग इसे एक पॉइंट पर कट करें, एक पॉइंट पर कट करें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक पॉइंट पर कट किया, ये कैसा हो गया लीनियर। यदि हम लोग इस लीनियर डीएनए पर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस लीनियर डीएनए के एंड पर टीलोमियर को प्लेस कर दें, इसको प्लेस कर दें, और सेंट्रोमेरिक रीजन का जो डीएनए होता है, सेंट्रोमियर जो होता है हमारे क्रोमोसोम का, यदि हम लोग उस रीजन को यहां पर प्लेस कर दें तो ये कैसा हो गया बताइए, ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तरह हो गया, है प्लाज्मिड, क्या लगा दिए एंड पर टीलोमियर्स और बीच में सेंट्रोमियर प्लेस कर दिया, और ये क्या हो गया, ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तरह हो गया। लेकिन क्या ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है बताइए, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम तो नहीं है, लेकिन कैसा हो गया, ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तरह बिहेवियर करेगा, समझ में आ रहा है? और कैसा हो गया, आर्टिफिशियल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हो गया, कैसा हो गया आर्टिफिशियल, क्योंकि विदाउट टीलोमियर कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल हम लोगों के न्यूक्लियोप्लाज्म में सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये समझ में आ रहा है? तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया में भी यूज किए जाते हैं, जिनको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट में यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल, मेमेलियन सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मतलब है हमें उस तरह का डीएनए मॉलिक्यूल डिजाइन करना है जो एक तरह की पर्टिकुलर सेल में सर्वाइव कर सके, सेल में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो विदाउट टीलोमियर कोई भी सिंथेटिक डीएनए सर्वाइव नहीं कर सकता है, और सेंट्रोमियर को प्लेस करेंगे तो आप जानते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड जो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल कोई और नहीं है बल्कि डीएनए मॉलिक्यूल में ही हम कुछ चेंजेस करके उनको आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या है मोर ऑर लेस माइनर माइनर चेंजेस करते जाते हैं, उनको अलग अलग नाम देते जाते हैं कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गए, ये फॉस्मिड हो गए, ये फॉस्मिड हो गए, और इससे पहले हम लोग प्लाज्मिड बेस्ड और बैक्टीरियोफाज लैम्डा और M13 बेस्ड वेक्टर स्टडी कर चुके हैं, समझ में आ रहा है? जब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पढ़ लेंगे और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पढ़ लेंगे तो इन जो दो टर्म है इनको भी जस्टिफाई करेंगे ये क्या है, थोड़ा वहां पर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो आगे बढ़ा जाए,
तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, हम लोग उनको डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम क्यों बनाए जब बैक्टीरिया में ऑलरेडी प्लाज्मिड है और बैक्टीरियोफेज लेमडा से भी वेक्टर्स को डेवलप किया है जो 45 केबी के अराउंड डीएनए ले जा सकते हैं, तो इन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को डेवलप करने का क्या कारण है, क्यों डेवलप करें? क्वेश्चन यहां पर है, मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। इन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को डेवलप क्यों किया सर, जब हमारे पास ऑलरेडी वेक्टर्स हैं, पीवीआर वेक्टर्स हैं, पीयूसी वेक्टर्स हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट इंसर्शन वेक्टर हैं, और देन इसके बाद ये हम 13 वेक्टर्स के बारे में पढ़ रखा है, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को क्यों डेवलप किया गया और ये वेक्टर क्या है, क्या ये वायरल डीएनए है या ये बैक्टीरियल डीएनए है, मेन क्रोमोसोम का डीएनए है या ये प्लाज्मिड है, ये क्या है, क्वेश्चन तो यहां पर है ना, और हम इसे क्यों बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप उस पर ध्यान दें, जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये लगभग 50 केबी से लेकर के 300 केबी डीएनए क्लोन कर सकते हैं। 300 केबी का मतलब समझ रहे हैं, बताइए कितने बेस पेयर, कितने बेस पेयर, 300 केबी का मतलब हो गया, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कितने बेस पेयर्स, बताइए 3,000 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, 3,00,000 बेस पेयर सीक्वेंस को क्या किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है। डीएनए लाइब्रेरीज का नाम सुना है, लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी, सीडीएनए लाइब्रेरी, तो किसी एक ऑर्गेनिज्म के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स, कोई एक ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने लिया और उसके सारा डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया और उन सारे फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग कर ली, सारे फ्रेगमेंट्स की क्या करी, क्लोनिंग कर ली, तो टोटल डीएनए, टोटल जीनोमिक डीएनए को क्या कर लिया, क्लोन कर लिया, समझ में आ रहा है, उस टोटल डीएनए क्लोन को ही डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएनए लाइब्रेरी। तो जब डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप मुझे बताओ, यदि ह्यूमन जीनोम की आपको लाइब्रेरी बनानी है तो आप लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे, क्या उसके टुकड़े 5,000 और 4,000 बेस पेयर के करेंगे, यदि करेंगे तो ह्यूमन जीनोम का साइज आप देखें कितना है, कितने वेक्टर्स बनाएंगे। तो यदि लाइब्रेरी बनाना है तो हमें ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो बहुत बड़ा डीएनए साइज क्या कर सकते हो, बहुत बड़े साइज का डीएनए क्लोन कर सकते हो। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की इंपॉर्टेंस ये है, कितने साइज का डीएनए, ये ध्यान रखोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कितने लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट की क्लोनिंग कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 50 से 300 केबी, 300 केबी का मतलब हो गया 3,00,000 बेस पेयर के डीएनए को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब ये है क्या, बेसिकली ये यफ प्लाज्मिड है, कैसे प्लाज्मिड है। अब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है क्या, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम अपने आप में क्या है, तो बेसिकली यफ प्लाज्मिड है, यफ प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कम होता है, ऐसा होता है, और ये स्टेबल कंफर्मेशन में एग्जिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये सेल में स्टेबली बने रह सकते हैं। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर सिंपली यफ प्लाज्मिड डिजाइंड फॉर क्लोनिंग ऑफ वेरी लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए, कैन हैंडल डीएनए इंसर्ट अप टू 300 केबी इन साइज, ये यफ प्लाज्मिड है। आपने प्लाज्मिड पढ़ रखे, कितने तरह के प्लाज्मिड पढ़ रखे, 5 तरह के, उसमें से कौन सा है, यफ प्लाज्मिड है, ठीक है। यफ प्लाज्मिड रिलेटिवली थोड़े लॉन्ग होते हैं, लार्ज होते हैं, इनका जो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है वहां से रेप्लिकेशन ओरिजिन जनरली बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के साथ ही होता है, या दूसरे शब्दों में मैं इस तरह से कह सकता हूं कि कॉपी नंबर कम रहता है, बार बार रेप्लिकेशन नहीं होता है। दे जनरली इंक्लूड सेलेक्टेबल मार्कर सच एज रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकॉल, कौन सा एंटीबायोटिक, जो क्लोरामफेनिकॉल है ये इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो अभी तक आपने किसी भी वेक्टर में नहीं पढ़ा है,
तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज किया जाता है? क्लोरामफेनिकोल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हुआ था? रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है, या फिर ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है? बताइए बताइए, ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है। तो ये ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है 30S सब यूनिट या फिर लार्ज सब यूनिट को, लार्ज सब यूनिट की एक्टिविटी को ब्लॉक करके, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन को ब्लॉक करके ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देता है। ध्यान रखेंगे, क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इसका कोई मेडिकल यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी कभी ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इररिवर्सिबल होती, इररिवर्सिबल डैमेज कॉज करता है ये क्लोरामफेनिकोल। इस वजह से इस एंटीबायोटिक को जनरली ट्रीटमेंट में यूज नहीं किया जाता है, केवल तभी यूज कर सकते हैं जब कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो, मरने वाला हो। तो मर तो वैसे ही रहा है, समझ में आ रहा है। हो सकता है इस ड्रग को यूज करने से कोई फायदा हो जाए, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस में इसे यूज किया जा सकता है और यूज किया जाता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में, नॉर्मली इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली एफ प्लाज्मिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर बेसिकली एफ प्लाज्मिड, ठीक है, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर तो वही होगा जैसा हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया है। रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होगी, साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा। कॉपी नंबर की बात करेंगे तो कॉपी नंबर 1 और 2 में होगा, ज्यादा नहीं होगा। कितना डीएनए कैरी कर सकते हैं, वही 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर बेसिकली एफ प्लाज्मिड, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। कंटेन एफ प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट मेंटेन द प्लाज्मिड इन 1 और 2 कॉपीज पर सेल। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज पर सेल हो सकती है? तो 1 और 2, कितनी हो सकती है? 1 और 2, ठीक है। द लार्ज सर्कुलर डीएनए आर द इंट्रोड्यूस इन टू द होस्ट बैक्टीरिया बाई इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है या माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, बायोलिस्टिक्स का नाम सुना है, ये क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे, कैसे बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस होगा, कैसे हम लोग बैक्टीरियल सेल में से ले जाएंगे। यहां पर देखिए, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल वेक्टर है, ठीक है, क्रोमोसोम वेक्टर है। ये क्या है, ये कौन सा जीन है, ठीक है, ये क्या है, क्लोनिंग साइट। ये क्या है, क्लोनिंग साइट। या प्लाज्मिड PARG, PAR में ए जीन होता है, बी जीन होता है और सी जीन। तो ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की तरह ये फंक्शन करते हैं। तो जब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेशन के बाद वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जब बैक्टीरिया का आप पढ़ रहे थे तो लास्ट में कैटेनिंस बने थे, और कैटेनिंस को रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए टोपो आइसोमरेज को यूज किया था। उसी तरह से इसके जो PAR जीन से वो इंकोड करते हैं प्रोटीन्स को, और ये प्रोटीन्स इस प्लाज्मिड का सेपरेशन करते हैं, जिससे जब सेल डिवीजन हो तो इन डीएनए प्लाज्मिड्स का इक्वल बंटवारा हो सके, ठीक है, जो डॉटर सेल्स हैं उनमें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या कर सके, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जा सके। तो बेसिकली प्लाज्मिड है, लेकिन इनमें जो ये PAR जीन्स हैं इनको प्लेस करके इनका इक्वल सेग्रीगेशन कर लेते हैं। साथ में किसको प्लेस कर लिया, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन को, ठीक है। आप ऐसे समझें, ये है तो प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर की तरह डेवलप करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसकी अपनी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, साथ में इसमें वो जीन्स भी प्लेस किए हैं जो इस वेक्टर का या इस प्लाज्मिड का सेग्रीगेशन करेंगे रेप्लिकेशन और डिवीजन के साथ, जब सेल डिवाइड होगी, जस्ट उसी तरह से जैसे मेन क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन, ठीक है।
बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम जिस तरह से सेग्रीगेट होगा उसी तरह से ये भी क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ये प्लाज्मिड है जो बिहेव कर रहा है एज ए मेन क्रोमोसोम। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जीनोमिक लाइब्रेरीज को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि ये 50 से लेकर के 3 KB, ठीक है, 300 KB डीएनए कैरी कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितने कैरेक्टर ध्यान रखोगे, कितने कैरेक्टर्स ध्यान रखेंगे, तो 3 कैरेक्टर्स को ध्यान रखना है। बैक बेसिकली यह प्लाज्मिड है, कैसे प्लाज्मिड है, यह प्लाज्मिड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन सा रेजिस्टेंस जीन कैरी करते हैं बताइए, और कितने साइज का डीएनए कैरी कर सकते हैं बताइए, 50 से 300 KB। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये है तो प्लाज्मिड लेकिन बेसिकली बिहेव कर रहे हैं क्रोमोसोम की तरह, किसकी तरह, क्रोमोसोम की तरह। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा इनके PAR जीन्स के बारे में अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, PAR जीन क्या है, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि PAR जीन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और दूसरा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम क्यों कह रहे हैं, इसको बेसिकली कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं दे आर बेसिकली यफ प्लाज्मिड, क्या है, यफ प्लाज्मिड है, और फिर हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं, क्वेश्चन यहां पर है, इसको भी प्लाज्मिड कहे, इसी तरह के तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ प्लाज्मिड पढ़ रखे, केवल नाम ही तो यह प्लाज्मिड दे रहे हैं। ठीक है, तो इन जीन्स के साथ ही हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यह प्लाज्मिड हम लोग या इस वेक्टर को आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेग्रीगेशन प्रॉपर्टी को आप पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम की तरह यह मैच करता है या कह सकते हैं बिहेव करता है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहने लगते हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को डिजाइन करने के लिए भी हमें प्लाज्मिड में क्या लगाने पड़ेंगे, टेलोमियर्स और सेंट्रोमियर्स। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं या पोर्शंस हैं उनको हम लोग प्लेस कर देंगे किसी भी एक डीएनए में और वो बिहेव करने लगेंगे एज ए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।